आइसोलेटेड स्फेयर। आइसोलेटेड स्फेयर हमारे पास क्या होता है? ये इक्वेशन हमारे पास है स्फेरिकल कैपेसिटर की। ये हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है। आइसोलेटेड स्फेयर हमारे पास क्या होगा? ये जो बी है हमारे पास, इसे हम नीचे ले आएंगे, डिवाइड करा देंगे इनके साथ बी माइनस ए की। ए की बात अगर बी अगर लेके जाएंगे तो ऊपर ए बी हो जाएगा। ये हम नीचे ले आएंगे इसको, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ओवर बी, बी से कैंसिल, माइनस ए ओवर बी हो जाएगा 1 माइनस ए ओवर बी। हमने फाइंड करना है आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर करने के लिए हम करेंगे देन लेट बी अप्रोच टू इन्फिनिट एंड सब्स्टिट्यूट एंड सब्स्टिट्यूट आर फ्रॉम ए, ए की जगह हम आर पुट करेंगे और बी इन्फिनिटी होगा हमारे पास। वी फाइंड सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक जगह हम आर पुट करेंगे तो आर ओवर 1 माइनस आर ओवर इन्फिनिटी, आर ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 ओवर 0, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है हमारे पास। हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1 माइनस 0। उसे आप लिखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारे पास आ जाएगा आइसोलेटेड स्फीयर।